Assalamualaikum friend, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है लाल लोबिया, तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, और हमें बताना है कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। चलो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सोडा में भुगो के रखा था पूरी रात, तो उसका पानी हमने अभी निकाल दिया, अभी नए पानी में हम उसको पकाएंगे। और ये टमाटर प्याज की पेस्ट ले ली है, एक प्याज की पेस्ट ले ली है, एक टमाटर की पेस्ट ले ली है हमने बना ली है, और उसके अलावा हमने लाल मिर्च, हल्दी, नमक। तो इस तरह हम एक चिल्ले में 3 से 4 कप पानी डाल दिया, साफ पानी। पहले वाला पानी हमने जो रात को भिगो कर रखा था वो निकाल दिया, इसके अंदर ये मसाले भी डाल देंगे, टमाटर भी पेस्ट भी डाल देंगे, प्याज की भी डाल देंगे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना, और इसके अंदर चेक करते हैं इसको, आधे घंटे के बाद हम चेक कर रहे हैं, दाल तकरीबन गल चुकी है, इसको और हम 10 से 15 मिनट रखेंगे, थोड़ा ये टाइम लेती है, तो बाकी हम मसाले बाद में डालेंगे, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखना। जी फ्रेंड, अब हम इसको 15-20 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं, काफ़ी गल चुकी है, फोकस नहीं हो रहा। अब हमारे लोबिया की दाल गल चुकी है, अब इसके अंदर हम इसको बघार लगाएंगे। जी फ्रेंड, तो अब हम बघार के लिए लहसुन ले लिया, हरी मिर्च और गोल मिर्च ले लिए, और जीरा, और ये राई मस्टर्ड, गरम मसाला ले लिया, सूखा धनिया पाउडर ले लिया। अब हम फ्राई पैन में ऑयल डालिए, तो इसके अंदर हम पहले लहसुन डालें, लहसुन हमने डाल दिया था, अब इसके अंदर हम गोल मिर्च डाल देंगे, और इसी के साथ हरी मिर्च भी डाल देंगे। मस्टर्ड भी डाल देंगे, जीरा भी डाल देंगे, और ये हींग की, हींग भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अभी ब्राउन हो चुका है, हम इसके अंदर डाल गरम मसाला ऊपर से बंद कर देंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड, तो इस तरह हमारी ये लोबिया की डिश तैयार हो गई है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।